ओके, अब आ जाएगी। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है दी भारत ऑनलाइन क्लासेस में। मैं भूपेंद्र दुबे, आपकी जीएस फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती है। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? प्लेट टेक्टोनिक, ओके, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी। आई थिंक ज्योग्राफी की मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तिका सिद्धांत। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। आ जाओ सब लोग, 2 मिनट वेट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं क्लास, क्योंकि आज शुरुआत से शुरू में रहेंगे। प्लेट टेक्टोनिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ज्योग्राफी का। ओके, तो शुरुआत से शुरू करेंगे, 5 मिनट वेट करते हैं, सभी लोगों को आजान दीजिए, देन वी स्टार्ट, है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राजेश, गुड इवनिंग दीपेंद्र, आ जाओ सब लोग, आ जाओ। ठीक है, 1 मिनट वेट हो करते, देन क्लास स्टार्ट करेंगे हम, है ना। राम राम राजेश, सभी को आवाज तो आ ही रही है, ना वॉइस आ रही है ना। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, दैट शैल बी स्टार्टेड टुडे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। ओके, आप सभी को नोट्स तो मिल ही रहे होंगे, विथ मैप मिल रहे होंगे, है ना, जो पीडीएफ मिल रही है जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। पीडीएफ में और मेरे बोलने में कोई अंतर तो होगा नहीं, आई थिंक, जो बाकी लोगों की क्लास में रहता है। चलो अच्छी बात है, सबको मैप मिल रहा है ना। तो मैं 30 सेकेंड और वेट करूंगा, देन क्लास स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एक बात मुझे आप लोग बताओ कि जो हम आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखो दो तरीके से पढ़ी जाती है, या तो सेपरेट सेपरेट करके फिजिकल फीचर्स पढ़। देखो ज्यादातर जो एग्जाम में आते हैं वो केवल फिजिकल स्ट्रक्चर आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, फिजिकल फीचर्स, जैसे कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, ठीक है, कौन सा प्लेन किस देश में है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिलेबस में भी नहीं होता है, केवल फिजिकल ज्योग्राफी हमको पढ़नी होती है वर्ल्ड की, कि कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सी इस तरह की चीजें जो भी है, कौन सा प्लेन कहाँ पर, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। तो दो तरह से ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, बाय द कॉन्टिनेंट, या तो मैं कॉन्टिनेंट के थ्रू चलूँ कि पहले एशिया पढ़ाऊं, फिर अफ्रीका पढ़ाऊं, ठीक है, फिर यूरोप पढ़ाऊं एक दिन, इस तरह से चलूं, या फिर हम जैसे कि मैं आपको माउंटेन पढ़ाऊंगा तो विश्व में सभी कॉन्टिनेंट के माउंटेन जो जो है वो एक बार में बता दूंगा। जैसे मैंने आपको वोल्केनोस पढ़ाए, तो विश्व में जहां जहां वोल्केनो है वो सब जगह एक बार मैंने मैप के थ्रू आपको बता दिया। दो तरीके होते हैं पढ़ने के, ठीक है। क्वेश्चन इधर से ज्यादा आपको पकड़ में आएंगे तो वो देख लो आप। अरे जैसा अच्छा नहीं, आप मान लो मैंने वर्ल्ड लेवल का पढ़ा दिया तुमको, ठीक है, ओके, फिर तुम कहोगे सर आपने कॉन्टिनेंट छोड़ दिया। अरे एक्चुअली कॉन्टिनेंट सारे कवर हो चुके हैं, जो जो कॉन्टिनेंट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कवर हो जाएंगी उसमें। जैसे अगर मान लो कल मैं वोल्केनोस पढ़ाता हूँ टॉपिक, तो वोल्केनोस जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी का बेसिक पढ़ाने के बाद मैं आपको वर्ल्ड लोकेशन बताऊंगा कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है, कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा डोरमिनेंट। अब मैंने जब आपको वो वहां पढ़ा दिया तो फिर तो आपका वो कवर हो गया वर्ल्ड लेवल पे अपने आप ही। दूसरी चीज ये होती है, अब एशिया पढ़ाऊंगा तो एशिया में सब चीजें बता रहा हूं आपको, तो उस तरीके से होता है, दोनों चीज में अंतर होता है। तो स्टैंडर्ड क्या होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना वो वर्ल्ड लेवल पे केवल फिजिकल ज्योग्राफी पूछी जाती है, ठीक है। भूगोलिक जो भूगोल पूछा जाता है वो कैसा पूछा जाता है, फिजिकल भूगोल पूछा जाता है, पॉलिटिकल भूगोल नहीं आता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो ठीक है, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा तो फिर ठीक है, चलो देख लूंगा मैं। ओके ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जिसने समझ ली, देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे जो वन डे एग्जाम आप जिसकी फीस दे रहे हैं या जिसके लिए पढ़ रहे हैं, वन डे एग्जाम SI इन सब चीजों के लिए, जेल प्रहरी, उसके लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिटेल में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल ये जान लो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी है, ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कुछ नहीं आता है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। पर ऐसा कंसेप्ट प्लेट टेक्टोनिक के बिना हम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में पहुंचेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहुंचेंगे, तो बिल्कुल हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ के जीएस की कोचिंग ले रहे हैं, कोई पढ़ाते नहीं है ये टॉपिक, बहुत कम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि ये पीएससी लेवल के टॉपिक है। देखो सीधी बात है, पीएससी पे क्वेश्चन आता है, यहाँ MPPSC में मेन्स लेवल का टॉपिक है ये, ठीक है।
तो वहां आपको ये चीजें समझनी होती है डिटेल में। और जब आपने अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में माउंटेन कैसे बनते हैं, हमारे वॉल्केनोस कैसे बने हैं, हमारे जितने भी जो हमारी स्ट्रक्चर है ट्रेंचेस, जो हमारी घाटियां गर्त होते हैं वो कैसे बने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कभी समझ में आएगी नहीं, भ्रंश कैसे बने, फॉल्ट कैसे बने हैं, प्लेन कैसे बन रहे हैं, क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली बात क्या है, तो इसको इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको ये समझ लो, इसके बिना, बिकॉज मैं तो इसके बिना पढ़ा नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि चीजें आगे समझ में नहीं आएंगी, और फिर जब आप हाई क्लासेस में जाओगे तो फिर बोलोगे यार के कोई मतलब नहीं है कि सर ने क्या पढ़ाया, कुछ पढ़ाया नहीं। जबकि वन डे एग्जाम, ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वन डे एग्जाम क्लास है, ये पीएससी की नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एमपी पीएससी के लिए एक बैच स्टार्ट करूं जीएस का, एमपी पीएससी के लिए, ठीक है। इसका जो लेवल रहेगा वो इससे ऊपर का रहेगा, जो इस क्लास का लेवल है उससे भी ऊपर का रहेगा, क्योंकि उसमें काफी चीजें ऐड हो जाती हैं, सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है एमपी पीएससी का, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, जैसे यहाँ मान लो 70% पढ़ रहे हैं हम, तो वहां 100% पढ़ेंगे। काफी चीजें हैं जो यहाँ नहीं पढ़ते हम डिटेल में। तो अगर आप बताना, अगर मुझे स्टूडेंट दिखेंगे तो मैं ये क्लास स्टार्ट करूंगा, अभी तो नहीं कर रहा, करूंगा इसको स्टार्ट कुछ समय बाद, ठीक है। उसके लिए मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पीएससी की क्लास तो 1.5 घंटे से कम चल नहीं सकती, ठीक है। 1.5-2 घंटे में, 4-4.5 महीने में आपका कोर्स हो जाएगा लगभग, 5 महीने में, ओके, पीएससी का। हाँ, इसी एप्लीकेशन पे करेंगे, इसी एप्लीकेशन करेंगे, उसकी फीस भी इससे दुगनी होगी, तिगनी होगी, ठीक है। मेरी सिंगल ही फीस, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आई थिंक मैं 5,000 तो रखूंगा, ये बहुत कम है वैसे, पर आपको लगेगा ज्यादा है। चलो शोक, वो फीस वीस की बात में देखेंगे। तो मैं तो आपसे पूछ रहा था कि इंटरेस्टेड भी हो कि नहीं एमपीपीएससी की क्लास खोलने में, चलाऊं मैं कोर्स, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब काफी टाइम वेस्ट हो गया यार, मैं भी वेस्ट कर दिया आपका टाइम, तो ठीक है। तो हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्चुअली है क्या? करूंगा करूंगा शशि, ठीक है। तो बेसिकली आप यहां देखो, जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ना, हमने अभी तक दो थ्योरी पढ़ी, एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी पढ़ी, ऊपर का दिख रहा है, हमने दो थ्योरी पढ़ी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो हमने कल पढ़ी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ओके, ये भी पढ़ाना जरूरी था। एक हमने थ्योरी जो नहीं पढ़ी है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, किसकी? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, है ना। तो ये थ्योरी हमने नहीं पढ़ी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। इन दोनों थ्योरी से ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी निकली है, ठीक है। यानी कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसकी अपनी ही कुछ कमियां थी, ठीक है, जो कि अल्फ्रेड ड्रगनर के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी 1920 में, जिसमें उसने ये बताया था कि कॉन्टिनेंट कैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो वो जो थ्योरी है उसकी अपनी ही कुछ कमियां थी, वो हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का विकास किया जा रहा था, पर यह भी समझ में नहीं आ रही थी, उसके लिए क्या था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। जब ये कंसेप्ट समझाया गया, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जब कंसेप्ट समझाया गया, तो सही से इसको, इस थ्योरी को मान्यता मिली, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो आपको लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है, 10-15 मिनट में आपको समझाऊंगा मैं लास्ट में। पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या। 1960 के दशक में इस सिद्धांत का आगमन हुआ। तो ये जो सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये 1960 के दशक में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। सबसे पहले जो विलियम मॉर्गन थे, ठीक है, विलियम मॉर्गन थे, उन्होंने 1965 के करीब, 1965 में प्लेट जो शब्द था, प्लेट इस शब्द को दिया, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा प्लेट होता क्या, उसका मतलब क्या। पुनः आगे चलकर हैरी हैश, क्या नाम है, इन्होंने ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी थी। तो ये जो हैरी हैश वैज्ञानिक है हमारे, ठीक है, ये बेसिकली जो यूएस नेवी थे उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एडमिरल भी रहे थे, ये बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये सबमरीन की लोकेशन निकालने के लिए इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग बहुत काम किया, तो उससे वो थ्योरी निकल के आई, ठीक है। तो हैरी एच मोदे ने इसकी संकल्पना दी, यानी इस थ्योरी को डेवलप किया, जिसमें उनका सहयोग किसने किया, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, इन विद्वानों ने भी इनका सहयोग किया।
अगर मेनली आपसे पूछा जाए कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये किसने दी है, तो आप लगा के आना हैरी हैश। किसने दिए? ये हैरी हैश ने। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप किसने करी है? हैरी हैश। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो मैंने पहला सिद्धांत आपको बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सा? जो हमने कल पढ़ी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये दो सिद्धांत हैं, इन पर बेस्ड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी किसने दी थी? ये भी हैरी हैश ने दी थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी किसने दी थी? हैरी हैश। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है, इतना सबको समझ में आया बेसिक? ठीक है, ये सबको समझ में आया कि नहीं? आई थिंक आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल, भूपटल मतलब जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, उसका निर्माण तीन प्रकार की प्लेटों से हुआ है। ठीक है, प्लेट क्या होते हैं? अर्थ के अंदर एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारा सारे ही जितने भी हम फीचर्स देखते हैं ज्योग्राफिकल के, जैसे प्लेट, माउंटेन, ओशियन, प्लेट्यू, ये सब उसी प्लेट के ऊपर है। ठीक है, अब यहां मैं एक आपको डायग्राम हाथ से बना के समझाता हूं एक्चुअली प्लेट है क्या। देखो इसको समझो, मैं बहुत स्लो चलूंगा क्योंकि अगर शुरू में गलती हो गई आपसे नहीं समझने में तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। ओके, ये है हमारा एस्थेनोस्फेयर। कल मैंने बताया था एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर जहां पर हमारा मोल्टन लावा होता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं। इस चैम्बर में, जिस चैम्बर में मैग्मा रहता है उसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। इसकी गहराई जो पृथ्वी के सरफेस से है वो 200 किलोमीटर तक हम मानते हैं, यानी ये 200 किलोमीटर क्या है? ये है हमारी लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में, थोड़ा स्टैंडर्ड बता रहा हूं, ध्यान रखना जब मैं वर्ड्स बोलता हूं वही मेरे क्वेश्चन छुपे होते हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपसे यदि कोई पूछे कि एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर किसका भाग है, ठीक है, तो आप बोलना वो लिथोस्फेयर का भाग है। ये क्या है हमारी? ये है हमारी क्रस्ट यानी भूपर्पटी। ठीक है, ये है हमारी क्रस्ट यानी भूपर्पटी। तो उसके नीचे क्या है? एक तरह का चैम्बर है, मैग्मा का चैम्बर है। ठीक है, देखो मैग्मा का मतलब क्या होता है? जो लावा होता है। तो जब तक लावा अर्थ के क्रस्ट के अंदर रहता है, ठीक है, तब तक उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब वो बाहर आ जाता है तो उसको फिर लावा कहते हैं। इतना अंतर होता है दो शब्दों में, चीज एक ही है। लावा इक्वल टू मैग्मा, मैग्मा इक्वल टू लावा, यानी चाचा ही भतीजा और भतीजा ही चाचा। बट इसमें क्या है कि यदि वो सरफेस पे आ जाता है, जब वो अर्थ सरफेस पे फोड़ के निकलता है मैग्मा, ऊपर की तरफ आ जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? देन उस मैग्मा को हम लावा कहने लगते हैं। अगर आप किसी भी ज्योग्राफी के टीचर के पास गए और यदि उसको नॉलेज हुई और आपने उससे कहा कि सर एस्थेनोस्फीयर में तो लावा मिलता है, तो वो कहेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, तुमको पता है लावा पड़ता है। पर आप अगर मेरे जैसे टीचर के पास आओगे, आप बोलोगे मुझसे एस्थेनोस्फीयर में लावा मिलता है, तो मैं कहूंगा पढ़ के आओ, पहले लावा नहीं मिलता है, वहां पर होता है मैग्मा, उसको हम वहां मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और जब वो सरफेस पे आ जाता है तब उसको लावा कहते हैं। ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए, ये आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाएंगी, फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आया, ये क्रस्ट है। ठीक है, अब जो ये क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट मिला के और जो उसके 100, ये मान लो 100 किलोमीटर की क्रस्ट है और 100 किलोमीटर में क्या है हमारा? मैग्मा भरा हुआ है। और मैग्मा जहां होता है उसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। और एस्थेनोस्फेयर जो होता है ये मेंटल की अपर लेयर होती है। किसकी? मेंटल, जो हमने कल पढ़ा था ना, मेंटल। तो मेंटल की जो सबसे अपर लेयर होती है, जो 100 से बिलो द सरफेस और 100 से 200 किलोमीटर के बीच में होती है, उसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। वहां पर हमको मैग्मा मिलता है। सारी कहानी ये बेसिक समझने में ही है अभी। ठीक है, जितना अच्छा आप इसको समझ लोगे आगे उसको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं ज्यादा जोर यहां दे रहा हूं कि जो एस्थेनोस्फेयर, अब यहीं पे क्वेश्चन बन गए एस्थेनो, अभी मैंने आपको बताया था एस्थेनोस्फेयर किसको कहते हैं, क्रस्ट मिला, वो लिथोस्फेयर किसको कहते हैं, क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर वाले पार्ट को मिला के लिथोस्फेयर कहते हैं।
ठीक है, और मेंटल का पार्ट भी होता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर किसका भी पार्ट है? मेल्टन का, मेल्टन का पास है। अपर लेयर जो होती है मेंटल की, उसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ये इतना समझ में आया कि नहीं दो चीज? ठीक है, अब हमारी ये चीज समझो, मान लो ये हमारी क्रस्ट की अपर लेयर है, ठीक है, जो मैं ये ब्लैक ब्लैक बना रहा हूं, ओके, और ये हमारी प्लेट्स हैं जिसके ऊपर पूरी हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, प्लेट्स के ऊपर ही, ठीक है। अब मान लो ये ओशियन है, ओशियन मतलब महासागर है यहां पर, सिर्फ सब समझो अभी, कंसेप्ट समझो कि हाँ यहां सर बोल रहे हैं ओशियन है तो ओशियन है, समझ में आ रहा है? ओके, यहां मान लो आप ये ओशियन है, ये माउंटेन है, ठीक है, ओके, ये माउंटेन है, क्या है ये? माउंटेन पर्वत। यहां पर मान लो प्लेट्यू है, ये क्या है? प्लेट्यू, ठीक है, यानी पठार, ये है पर्वत, और ये हमारा हो गया प्लेन, ठीक है, ओके, प्लेन मतलब मैदान। तो यानी जितनी भी स्थल आकृति है वो सब प्लेट के ऊपर है। तो प्लेट क्या होता है? एक सॉलिड, बहुत ही ज्यादा हार्ड सरफेस होता है जिसके ऊपर हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर टिका हुआ है। अब आप बोलोगे ये प्लेट हिलती है सर, जो आप लोग, प्लेट कभी नहीं हिलती, ओके, प्लेट किसके ऊपर तैर रही है? प्लेट जो फ्लो कर रही है, जो तैर रही है, वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है। किसके ऊपर तैर रही है? ये एस्थेनोस्फीयर, यानी मैग्मा के ऊपर ये प्लेटें तैर रही हैं। और जो ये होती हैं, ये जो आपको लाइन बनाई है मैंने, ये दो प्लेट है, मान लो पहली यहां खत्म हुई, दूसरी ये है, तीसरी ये है, इस तरह की प्लेटें हैं ये। ऐसी हमारी आठ, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि आठ बड़ी प्लेटें, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि सात बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है, ओके, वो मैं अभी आप डिटेल में समझाऊंगा। तो ये क्या है हमारी? ये मान लो प्लेट है, क्या है ये? हमारी प्लेटें हैं। अब प्लेटें मूव नहीं करती, क्या होता है? प्लेटें जब हल्की सी सरकती हैं, तो जो ये एरिया है आपको दिख रहा है जहां पर दो प्लेटें मीट कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? यही होता है हमारा टेक्टोनिक एरिया, सारी चीजें यहीं पर होती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो यहां जो नीचे के नीचे क्या है, जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है, ओके, तो ये जो दूर जाएंगी ना, तो ये जो मोल्टन मैग्मा होता है ये निकल के बाहर आता है, ठीक है, और यह सारे आकृतियां बनाता है। इतना समझ में आया? अभी बेसिक अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। इतना किस किस को समझ में नहीं आया ये पूछो यहां पर मुझसे, प्लेट का मतलब किस किस को समझ में नहीं आया? प्लेट बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता, बस थोड़ी बहुत जो हलचल होती, क्योंकि ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है, तो जब ये मतलब उसके ऊपर तैरना है, तैर रही है, यानी मान लो ये एस्थेनोस्फीयर क्या, एक तरह का यार एक तरह का क्या, मोल्टन लावा है, ठीक है, मैग्मा है, मैग्मा कैसा होता है? फ्लो करता है वो, तो उसके ऊपर ये तैर रही है, तो जब भी ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो इसमें से मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी हम आकृति देख रहे हैं, जितने भी फीचर्स हम अर्थ पे देख रहे हैं, उन सबका निर्माण होता है धीरे धीरे। रिपीट, ओके, रिपीट, अभी तो स्टार्ट नहीं करी है मैंने प्लेट टेक्टोनिक, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये आपको अगर दो या तीन बार में भी आप पढ़ के समझ लो तो अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानना। ये छोटा कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इससे पूरे दुनिया के जो भी रिलीफ फीचर होते हैं फिजियो के, उसके सबके बारे में हमको पता चलता है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, साक्षी को समझ में आ गया, ठीक है, बट रविंद्र मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, तुम समझो। रविंद्र देखो मैंने यहाँ क्या बोला, पूरा ध्यान अपना इस फोकस पे लगाओ, प्लेट क्या होती है, यहां तक तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। प्लेट जो होती है ये बहुत ही हार्ड है, रॉक से बनी हुई है, ठीक है, इन प्लेटों के ऊपर ही हमारा पूरी धरती बसी हुई है, इसी के ऊपर ओशियन है, इसी के ऊपर माउंटेन है, इसी के ऊपर पठार है, इसी के ऊपर मैदान है, इसी के ऊपर आपका घर है, मेरा घर है, जितनी भी चीजें हैं सब इसी के ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब क्या होता है, इस प्लेट, ये प्लेट के नीचे एक चैम्बर है मैग्मा का, ठीक है, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, उसके ऊपर ये प्लेटें तैर रही हैं, ठीक है, हम सब क्या है, उन प्लेटों के ऊपर रहते हैं, और वो प्लेटें इतनी विशाल हैं, बहुत बड़ी हैं, वो तैरती हैं, और जब वो हिलती हैं, ठीक है, जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो क्या होता है, मैग्मा यहां से निकल के आता है और ये फैल जाता है हमारी क्रस्ट पर, तो कहीं मैदान बना देता है, कहीं पठार बना देता है, कहीं पर्वत बना देता है, कहीं महासागर में रिजिस, जिसे हम कटक कहते हैं, वो बना देता है। इस तरह के
फीचर्स का ये निर्माण करता है। तो यानी इस थ्योरी से हमको ये पता चलेगा कि किस तरह से ये सारे फीचर्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये होती है प्लेट, अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, ठीक है। इतना सबको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब मैं आपको प्लेट बता रहा हूं, प्लेट क्या होती है जो मैंने बताई। यस सर, ओके वर्षा। देखो प्लेट क्या होती है, यह उस ठोस, ठोस का मतलब क्या होता है, सॉलिड, यह उस ठोस और रिजिड, रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर, कठोर, ठीक है। तो यह उस ठोस और कठोर भूखंड को कहते हैं, भूखंड मतलब क्या होता है, लैंड मास, ठीक है। तो यह उस ठोस और कठोर भूखंड को कहते हैं जहां भूकंपीय तरंगों का प्रभाव, यानी जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं उनका भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो कितनी भी तेज अर्थक्वेक की वेव्स आए प्लेटों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ये टूटेंगी ना ये फूटेंगी, कुछ नहीं होगा इनका। तो इतनी हार्ड चीज है कि जो अर्थक्वेक की वेव्स तक आती हैं उसको भी, उसका भी असर इन पे निल होता है, जीरो होता है, ठीक है। इतनी हार्ड है, निल होता है, इतनी हार्ड चीज है। जबकि प्लेट के जो किनारे होते हैं, अब देखो हर चीज जो होती है प्लेट के जो किनारे हैं, जो उसकी बाउंड्री है, वहां पर सारी हलचल होती है, ठीक है। उसी भाग को मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक एरिया कहते हैं, ठीक है। वहीं सारी हलचल होती है उस जहां दो प्लेट किनारे पे मिल रही। देखो अगर दो अलग अलग इंसान है, मान लो मैं हूं और मेरे साथ यहां पर प्रदीप सर खड़े हैं, हम दोनों अलग अलग है, हम दोनों मान लो चुपक के खड़े हैं एक दूसरे से, और हम दो प्लेटें हैं और हम इतनी है कि हम पे अर्थक्वेक वेव्स भी आ रही, तो हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब हम ये दोनों यहाँ खड़े हुए चुपक के, थोड़ा सा भी अगर हम यूं हिले तो ये हलचल होगी यहाँ पर। तो ये जो एरिया है हम दोनों के बीच में, इसको टेक्टोनिक एरिया कहते हैं। यहीं पर सारी गतिविधियां होती हैं और यहीं पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और यहीं से सारा मोल्टन मैग्मा निकल के आएगा और सारी आकृतियां बनाता है। इतनी चीज समझ में आनी चाहिए, आई थिंक। बहुत ही स्लो और सीधे तरीके से समझा रहा हूं, हमें नहीं समझाया गया था इतना, हमें तो उन्होंने इतनी फीस भी ले ली और इस तरीके से नहीं समझाया, ठीक है, ओके। अब ये होते हैं, इसको कहते हैं हम टेक्टोनिक एरिया, ठीक है। अब यहां समझो तीन तरह की प्लेट होती है। प्लेट, ये इन्होंने बताया कि जो ये प्लेट होती है ये क्या है, सॉलिड और रिजिड लैंडमास है। ये तीन तरह के होते हैं, ओशियनिक प्लेट यानी महासागरीय प्लेट होती है एक, ठीक है। एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट, और एक होती है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट यानी महासागरीय और महाद्वीप प्लेट, ठीक है। कुछ प्लेट ऐसी हैं जिन पर कॉन्टिनेंट ही कॉन्टिनेंट बसा हुआ है, जैसे अफ्रीकन प्लेट है उस पर केवल कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है। कुछ प्लेट ऐसी हैं जिस पर महासागर है, जैसे पैसिफिक ओशियन है उसकी एक प्लेट है तो उसको ओशियनिक प्लेट कहते हैं। और कुछ प्लेट ऐसी हैं जिस पे आधे पे ओशियन है और आधे पे महासागर है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट कहते हैं। जैसे जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये कैसी है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट है। ये अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट की अगर एग्जाम्पल, तो देखो जो नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट है वो साउथ अमेरिका की जो प्लेट है वो है अफ्रीका की जो प्लेट है, और ओशियनिक वाली प्लेट की जैसे पैसिफिक प्लेट है और अटलांटिक प्लेट है, ठीक है, ओके। यानी प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर वाली प्लेट। ये तीन चीजें सिंपल अभी समझ में आई कि नहीं। अब देखो हम जानते हैं पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे भारी प्लेट कौन सी होंगी इन तीनों में से, यदि मैं बोलूं तो आप सिंपल जिस भाषा में समझा रहा हूं उसमें समझ लेना, दिमाग मत लगाना, टेक्निकल चीजों के अंदर मत घुसना, फंस जाओगे। मैं बोल रहा हूं महासागरीय प्लेट सबसे भारी होती है, विश्वास करके मान लो मेरी बात। तो सबसे भारी कौन सी होती है, महासागरीय प्लेट, उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट, और इसका जो वेट होता है इन दोनों के बीच में होता है, महासागरीय और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच का जो उसकी डेंसिटी होती है उन दोनों के बीच में होती है। इतना समझ लो अभी, ठीक है। अब देखो सिद्धांत के अनुसार भूपटल, जो हमारा जो भूपटल है, जो हमारा लैंडमास है, वो अनेक छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित है, ठीक है, तथा एस्थेनोस्फेयर जहां मैग्मा पृथ्वी के अंदर है पर तैरती रहती है, जो मैंने आपको बताया ये प्लेटें क्या कर रही है, मैग्मा के ऊपर तैर रही है। बड़ी प्लेट की संख्या कितनी है, 7, या कई साइंटिस्ट इसको 8 भी कहते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और छोटी प्लेटों की संख्या कितनी है, कितनी है, लगभग 14 है। अब कुछ और नई प्लेटें भी सर्च होती जा रही हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, बनता जा रहा है और नई डिस्कवरी होती जा रही है, ठीक है। तो कितनी होगी,
14 स्टैंडर्ड 14 मानते हैं, ठीक है। अब बड़ी प्लेटें मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी बड़ी प्लेटें हैं, पहले बहुत शॉर्ट शॉर्ट में समझेंगे फिर हम कंसेप्ट समझेंगे डिटेल में। बड़ी प्लेट में जैसे अंटार्कटिका की प्लेट हो गई, नॉर्थ और साउथ अमेरिका वाली प्लेट हो गई, सरकम पैसिफिक ओशियन जिसपे प्रशांत महासागर है वाली प्लेट हो गई, जिसपे अटलांटिक महासागर है वाली प्लेट हो गई, एक यूरो एशियन प्लेट है, ठीक है, जिसपे यूरोप और एशिया वाला रशिया वाला पार्ट है वो वाली प्लेट हो गई, एक अफ्रीकन प्लेट हो गई और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। तो ये कैसी प्लेट है, ये बड़ी प्लेट है। छोटी प्लेट में लाइक कोकस प्लेट, नस्का प्लेट, ठीक है, ओके, अरेबियन प्लेट। अभी 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि आप ये बताओ कि इनमें से कौन सी प्लेट बड़ी नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन में था नस्का प्लेट, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं नस्का प्लेट, तो ये नस्का प्लेट है, ये इसका करेक्ट आंसर था क्योंकि ये छोटी प्लेट है, ओके। अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ऐसी 50 प्लेट है, ठीक है, अभी 14-15 पता चली है, पर अभी जब जैसे जैसे डिस्कवरी होती जाएगी और प्लेटें निकलती आएंगी क्योंकि ये छोटी प्लेट सारी है संख्याओं में, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो भी गतिविधि मैंने आपसे कही थी प्लेट में होगी वो कहां पर होगी, किनारे पर होगी, प्लेट के किनारे पर, जहां पर दो प्लेट मिली हुई है एक दूसरे से, ये जो किनारा हुआ यहां पर सारी, इसी को मार्जिन कहते हैं। इसी के आधार पर इस सिद्धांत का विकास हुआ है मेन एक्चुअली। अब देखो तीन तरह के सिद्धांत, इस सिद्धांत के हिसाब से तीन प्रकार की बाउंड्री होती है या मार्जिन होते हैं, बाउंड्री या मार्जिन, ठीक है, तीन प्रकार की क्या होते हैं, किनारे होते हैं, सीमांक भी कहते हैं, बाउंड्री होती है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, ओके, अब मैं आपको सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव समझाऊंगा क्योंकि आपने अभी डिस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी विनाशक सीमांक समझ लिया तो आप इन, आपके लिए ये दोनों समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, ओके, चलो इसको समझो। ओके, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये फिगर दिख रहा होगा, छोड़ो। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला जो मार्जिन पढ़ रहे हैं हम, बाउंड्री पढ़ रहे हैं, वो होती है डिस्ट्रक्टिव मार्जिन या बाउंड्री, कुछ भी लिख दो, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मार्जिन या बाउंड्री, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी कहते हैं इसको और कन्वर्जेंट। अब आपको नाम से समझ क्या हो रहा है, विनाशकारी है ये, यानी विनाशकारी किनारा, ठीक है, ओके। ये वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी, यानी इसमें कुछ ना कुछ विनाश हो रहा होगा, यानी दो प्लेटों में जब टक्कर होती है तो उसकी स्थिति को हम इससे समझ में आता है। जैसे मान लो ये दो प्लेट है, मैं जो आपको समझा रहा हूं डायग्राम में समझना, देखो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ा रहा हूं ना, थोड़ा बहुत हाथ से लिख लेना क्योंकि ये मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा नहीं सकता, मतलब ये जो चीज मैं यहां जो आपको बता रहा हूं एक बार बता दूंगा आपके दिमाग में रहनी, चलो अच्छी बात है वीडियो पड़ी रहेगी तो देख लेना ये जब भी जरूरत पड़े। जब दो प्लेट का मूवमेंट कैसा होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी इस तरह से जब दो प्लेट मूवमेंट, देखो साथ बहुत सारी प्लेट हैं, जब दो प्लेट इस तरह से मूव करेंगी एक दूसरे के पास आएंगी, समझ में आ रहा है आपको, जब दो प्लेटें क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, तीन तरह के मूवमेंट होंगे, जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब दो प्लेटें इस तरह से ऊपर नीचे होंगी एक दूसरे के, ठीक है, यानी स्लाइड करेंगी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन में ही सब चीजें बनती हैं, जो भी पृथ्वी पर बने हुए हैं जितने भी फीचर्स, वो इन तीन, पहला क्या होगा, पहला जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो इसको कहते हैं विनाशकारी, क्योंकि ये टकरा रही हैं तो इनमें टूटा फूट होगी और विकास होगा किसी ना किसी, तो ये ऐसे हो जाएंगी, एक प्लेट ऐसे चली जाएगी नीचे की साइड, एक उसके ऊपर आ जाएगी। मान लीजिए एक स्कॉर्पियो कार आ रही है यहां से, ठीक है, और एक मारुति कार आ रही है, ठीक है, तो जब दोनों की टक्कर होगी
तो मारुति कार वजन में हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी और स्कॉर्पियो अंदर की तरफ घुसेगी, यही कंडीशन रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कि एक ओशियनिक प्लेट होती है और एक महाद्वीप प्लेट होती है, जब ये दोनों टकराती हैं आपस में तो भारी कौन सी है, ओशियनिक प्लेट, तो ये नीचे की तरफ जाएगी, और जो महाद्वीपीय प्लेट है यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो कैसी जाएगी, ऊपर की तरफ। इस तरह की कुछ होता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, पूरा ध्यान समझने पर रखना, ठीक है, ये मैथ नहीं है, ये ज्योग्राफी है, इसमें पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। पहला मैं आपको बता रहा हूं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन के बारे में, यानी विनाशकारी किनारे के बारे में, या फिर इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट मार्जिन। इस कंसेप्ट को समझ लो, बाकी फिर दोनों कंसेप्ट इजी है, ठीक है। जब दो प्लेट्स, ये क्या है, दो प्लेट है, प्लेट नंबर वन और प्लेट नंबर टू, ओके, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं ये मान लो ओशियनिक प्लेट है, कौन सी है, ओशियनिक प्लेट, और ये कौन सी है, कॉन्टिनेंटल। अब इन दोनों में से भारी कौन सी होगी, ओशियनिक या कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक, ठीक है, मैंने आपको बताई थी, और कॉन्टिनेंटल हल्की होती है। तो जब इन दोनों की टक्कर होगी आपस में, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी, ये पहली कंडीशन है डाइवर्जेंट के लिए। इसके लिए फिगर बना के दिया हुआ है मैंने, इस तरह से जब दो प्लेट मूव कर दिए तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। अब जब ये दोनों प्लेट खुली, ये वाली भारी है और ये वाली हल्की है, ठीक है, अब क्या होगा, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है, तो जो हल्की वाली प्लेट है वो कुछ ऊपर की तरह इस तरह से उठ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो जो हल्की वाली प्लेट है वो क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर उठेगी, ऊपर उठ जाएगी, और ये वाला जो पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये इसकी तरफ अंदर आएगा, डैमेज तो यहां होगा जो यहां हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये यहां पर डैमेज होगा, यानी यहां पर इस तरह का, जब ये दोनों प्लेट टकराएंगी तो दोनों के बीच में जो भी चीज होगी वो ऊपर उठ के आएगी, तो इस तरह से बनेंगे एक फीचर। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब ये दोनों प्लेट है तो इसको हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड, आप यंग फोल्ड छोड़ दो, आप इतना समझो कि ये बन गए हमारे माउंटेन यानी पर्वत, इस तरह के पर्वतों का विकास हुआ है, ठीक है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना, ज्यादा डीप में जाना भी नहीं है, समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो उससे भी अच्छा, कौन खपा एक नंबर के लिए दिमाग, ठीक है। तो जब ये दो प्लेट ऐसे आ रही है, ये वाली भारी है और ये वाली हल्की है, वॉच माई हैंड, मेरे हाथों को देखो, तो जब जो दो प्लेटें आएंगी, ये भारी है, ये नीचे इस तरह से जाएगी और ये वाली ऊपर उठ जाएगी, और जहां ये टकराएंगी, तो जब ये दोनों चीजें टकराएंगी तो इनका जो मलबा होगा वो टूटेगा, तो कुछ टूट के ऊपर उठेगा, तो जो ऊपर उठ गया भाग वो क्या हो गया, माउंटेन बन गए। तो माउंटेन का निर्माण ऐसे होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दूं मैं माउंटेन का कैसे हुआ है, देखो यहां पर साउथ अमेरिका है, हम जानते हैं ये हमारा साउथ अमेरिका है, अभी मैं आपको समझा, ये मान लो हमारा साउथ अमेरिका है, ये कौन सी है, साउथ अमेरिका वाली प्लेट है, यानी ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कौन सी है ये, कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब ये वाली, और यहां पर हमारा पैसिफिक ओशियन है इसके यहां पर, यानी प्रशांत महासागर है, ये दोनों प्लेट टकराई है, यहां पर हमको एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है 7200 किलोमीटर लंबी, ये इसका सबूत है कि जब दो प्लेटें टकराती हैं जिसमें एक महासागरीय प्लेट हो और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, तो माउंटेन का यंग फोल्ड माउंटेन बनते हैं, पर्वत बनते हैं, जैसे हमारे जो यहां पर एंडीज पर्वत बने हुए हैं साउथ अमेरिका प्लेट में। तो ये दोनों प्लेट जब टकराई तो इस तरह के यहां पर 7200 किलोमीटर एक लंबी रिज मिली, ठीक है। तो ये इसका सबूत देता है कि इस तरह से माउंटेन बनते हैं। ये जिसको समझ में नहीं आया हाथ कमेंट करके बताओ, ये मैंने सबूत यही दिया है, इसी तरह से थ्योरी बनती है कि जब तक आप एविडेंस नहीं दोगे तो लोग मानेंगे नहीं कि हाँ कुछ बना है। इतना समझ में आया कि नहीं जिसको, अब इतना समझ में आ गया तो फिर हम इस फिगर पे चलते हैं, मेरा इतना ही समझाना था आपको। ये समझ में आया, यानी ये एक प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है, ये लिखा है देखिए ओशियनिक प्लेट, तो ओशियनिक प्लेट और ये है हमारी एक दूसरी प्लेट, ठीक है, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ये दोनों प्लेट आई तो ओशियनिक प्लेट नीचे चली गई, ठीक है, क्योंकि वो टकराई, वो भारी थी तो उसने हल्की वाली प्लेट को उठा दिया ऊपर की तरफ और वो नीचे चली गई, तो ओशियनिक प्लेट क्या हो गई, नीचे चली गई। अब नीचे क्या था, नीचे था हमारा मेंटल यानी एस्थेनोस्फेयर, यानी हमारा क्या था, मैग्मा,
इसमें हमारा मैग्मा भरा है। अब जो ओशियन प्लेट होगी वो ठंडी होगी और मैग्मा कैसा होगा, भारी होगा। तो जहां पर ये टक्कर होती है ना, तो वहां पर एक खड्डा बन जाता है। क्या बन जाता है? खड्डा। जैसे ये जो टक्कर हुई है आपको दिख रही है, तो जहां पर ये टक्कर हो रही है यहां पर क्या बनेगा, एक खड्डा बनेगा, जिसको हम ट्रेंच कहेंगे, गर्त कहेंगे, गर्त। जैसे हमारा जो मरियाना ट्रेंच है, कौन सा ट्रेंच है? मरियाना ट्रेंच। ये कहां पर है कोई बताएगा मुझे, मरियाना ट्रेंच कहां पर है? 11,022 मीटर ये गहरी है, इसकी डेप्थ है, ये क्या है, गर्त है। मरियाना ट्रेंच ये है फिलीपींस में। अरे यार ठीक है, ये कहां पर है? फिलीपींस में है। ओके, तो यहां पे बनती है ट्रेंच। तो आपने ये देखा कि ट्रेंच कैसे बनी और आपने देखा माउंटेन कैसे बनी। तो ये माउंटेन उठ गए, ये आपको दिख रहे हैं माउंटेन। अब क्या होता है, जब ये पार्ट नीचे जाता है तो यहां पर क्या होता है, इसको बेंजोइक रीजन कहते हैं। कौन सा? बेंजोइक जोन। इसमें क्या हो रहा है, पूरे में मैग्मा भरा हुआ है। अब इसमें मैग्मा भरा है तो जब ये ठंडी प्लेट यहां जाएगी तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, क्योंकि एक ठंडी प्लेट और एक गर्म प्लेट जाएगी तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। उसके कारण क्या होता है, उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण कन्वेक्शन करंट यहां पैदा होता है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, यहां पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ऊपर आएगा और ये फोर्स लगाते क्या होता है, ऊपर निकलता है प्लेट को फाड़कर और हमारा वोल्केनो बन जाता है। क्या बन जाता है? वोल्केनो। ठीक है, तो ये समझ में आया, यानी हमने क्या देखा, और वोल्केनो से जो लावा निकलता है उससे हमारी क्या बन जाती है, क्रस्ट बन जाती है। अब हमने चार चीजें इसमें सीखी कि क्रस्ट कैसे बनती है, वोल्केनो कैसे बनते हैं, ठीक है, हमारा क्या बन रहा था, और ट्रेंच कैसे बनती है यानी गर्त कैसे बनते हैं, और लास्ट जो कि हमने अपना क्या बनाया था, माउंटेन यानी माउंटेन। अब इतना किसको समझ में नहीं आया है बताओ, क्या बात है, सारे सब बड़े शांत हैं, ज्यादा टफ हो रहा है क्या? समझ में नहीं आएगा, चलो
अरे अब बैटरी ऑफ हो गई। अभी बंद हुई है क्या? किसी ने कमेंट ही नहीं किया। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आप सभी को? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? आवाज 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 चलो, आई थिंक अब आने लगेगी ना। अब आने लगे यार, कमेंट पहले नहीं आ रहे थे। सॉरी, आवाज चली गई थी, बैटरी ऑफ हो गई थी, बैटरी चेंज कर ली। तो फिर से समझ लो, देखो ये दो तरह की प्लेट होती है, महासागरीय प्लेट, ठीक है, ओशनिक प्लेट, और एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये कौन सी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओके, पूरा कंसेप्ट इस वाली प्लेट को समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। ओके, ये भारी होती है, ये हल्की होती है, ठीक है। जब ये प्लेट दोनों टकराती हैं तो भारी वाली भारी होने के कारण नीचे की तरफ जाएगी और हल्की वाली ऊपर उठ जाएगी। तो क्या होता है, जहां पर ये दोनों कॉलिजन करती है, जैसी टकराती है, तो ये क्या होती है, इस तरह से माउंटेन बनाती है। यहां पर जब ये टकराती है, इनका मैटर ऊपर उठता है और यहां पर क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है, यानी माउंटेन बनता है, ठीक है। और जहां ये नीचे की तरफ टकराती है, यहां पर ट्रेंचेस बनती हैं, यानी गर्त बन जाता है, ठीक है। जैसे मरियाना ट्रेंच हुआ, ठीक है, तो मरियाना ट्रेंच बना, ये गर्त बन गया। तो दो चीजें हमने यहां से देख ली। अब जो ओशियनिक जो ट्रेंच, ये जो पार्ट प्लेट का जो नीचे मैग्मा चैम्बर में चला गया, क्योंकि ये मैग्मा चैम्बर है पूरा, तो इसके अंदर जब ये पार्ट चला गया तो यहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, क्योंकि मैग्मा था कैसा, बहुत गर्म, उसका टेम्परेचर कैसा था, बहुत ज्यादा था, ठीक है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, करंट पैदा हुए यहां पर, कन्वेक्शन करंट, ठीक है, कन्वेक्शन करंट होते हैं, तो वो पैदा हुए, यानी संवहन धारा पैदा हुई। उन्होंने इस पार्ट को पुश किया नीचे से, जो ये प्लेट है इसको पुश किया, तो क्या हुआ, यहां पर क्रैक्स होने लगे धीरे 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 धीरे, ठीक है, ये क्रैक्स होने लगे, और इसी क्रैक से होके मैग्मा ऊपर आ गया और यहां पर क्या हो गया, वॉल्केनो का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यहां पर वॉल्केनो बने ऐसे, ठीक है, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी बने, ठीक है, ज्वालामुखी बने। उसके बाद क्या हुआ, जब ये वॉल्केनो बन गए, ज्वालामुखी यहां पर बन गए, ठीक है। अब ज्वालामुखी से जो लावा निकला, मैग्मा जो निकला इससे, उससे क्या हुआ, यहां पर क्रस्ट का निर्माण हुआ, यहां पर और यहां पर, यानी यहां पर भूपर्पटी बनी। अब इतना किसको समझ में नहीं आया, सब लोग बताओ, इतना किसको समझ में नहीं आया है?
सबको समझ में आ गया क्लियर सभी को? YouTube पे भी समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में, अगर एक बार में ये समझ में आ रहा है तो या तो या मैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हूं या आप बहुत इंटेलिजेंट हो, दो ही चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, अच्छी बात है। अगर एक बार में ये चीज समझ में आई, यानी जब दो प्लेटों का कॉलिजन होता है और एक प्लेट भारी है और एक प्लेट हल्की है, तो भारी वाली प्लेट क्या करती है, नीचे चली जाती है, और हल्की वाली प्लेट क्या करती है, ऊपर आ जाती है। तो जहां कॉलिजन होता है वहां क्या बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है, ओके। और जहां ये टकराती है नीचे क्या बनता है, गर्त बनता है, ट्रेंच बनती है। तो ये गर्त बनी, यहां पर ट्रेंच बनी, और यहां पर माउंटेन बन गए। तो इन दोनों का पता चल गया कि माउंटेन कैसे बनते और ये गर्त कैसे बनी है। तो गर्त का एग्जांपल जैसे मरियाना जो गर्त है, या मरियाना ट्रेंच है फिलीपींस आइलैंड में, तो वो और माउंटेन जैसे एंडीज पर्वत है। दूसरे यहां पर क्या होता है, जब ये प्लेट का पार्ट, जो ये महासागर प्लेट का पार्ट मैग्मा चैम्बर में चला जाता है, ये पूरा क्या है, मैग्मा है, यहां पे लावा है, ठीक है, ये मैग्मा चैम्बर है पूरा। तो जब ये मैग्मा चैम्बर में जाता है तो इसका टेम्परेचर, इस प्लेट का टेम्परेचर कम होता है और मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण कन्वेक्शन करंट पैदा होते हैं, और कन्वेक्शन करंट क्या करते हैं, इस पार्ट को फोर्स करते हैं। तो यहां पर क्रैक होने लगता है, क्रैक आने लगता है, तो ये क्रैक बन जाता है और यहां से क्या होता है, वॉल्केनो बन जाता है। मतलब ये अब जब वॉल्केनो बन गया तो इस तरह से वॉल्केनो का निर्माण होता है, मतलब ये वॉल्केनो बन गया हमारा, और वॉल्केनो से जब लावा निकल के आ रहा है, ये क्या है, लावा। जब ये लावा निकल के आ रहा है, यहां पर फैल जा रहा है, तो ये क्रस्ट बन रही है। यहां नहीं, डाइवर्जेंट के वो कन्वर्जेंट के केस में, यानी डिस्ट्रक्टिव जब केस होता है, यानी जब दो प्लेट आपस में टकराती है, कॉलिजन करती है, तब हमारी चार चीजों का निर्माण होता है, यंग फोल्ड माउंटेन का, यानी पर्वतों का, ठीक है, दूसरे क्या होता है, वॉल्केनोस का निर्माण होता है, तीसरी ट्रेंच का निर्माण होता है, और चौथी क्रस्ट का, यानी चार चीजों का निर्माण हुआ। क्या का निर्माण हुआ, पर्वत का, दूसरा ट्रेंच का यानी गर्त का, ट्रेंच मतलब गर्त, जैसे मरियाना ट्रेंच है जो हमारी सबसे गहरी गर्त, तीसरा किसका हुआ, तीसरा हुआ हमारी क्रस्ट का, और चौथा हुआ वॉल्केनो का। ये किस किस को समझ में नहीं आया, ये चार चीजें जिस तरह से बनती हैं, तो पूरे पर्वत में, पूरे संसार में जैसे भी चीजें बनी है, इस तरह से बनी है। सबको समझ में आ रहा है ये चीज, तो मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, यस, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ गया तो मेरी पूरी मेहनत खत्म हो गई, पूरी आपने मतलब माउंटेन बनना सीख लिया। तो अब सब जगह माउंटेन कैसे बने समझ में आ रहा है। अब मैं आपको यहां ले चलता हूं, कहां पर, थोड़ा सा मैप पर, ठीक है। ये कौन सी है, अफ्रीकन, ये जो प्लेट्स हैं, ये सारी प्लेट्स हैं, ये है अफ्रीकन प्लेट, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है हमारी यूरेशियन प्लेट, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है अंटार्कटिका प्लेट, और ये है पैसिफिक प्लेट। जितनी ये प्लेटों पे मैंने टिक लगाया, ये सब कैसी हैं, बड़ी प्लेटें हैं, कैसी हैं, बड़ी प्लेटें हैं, ओके। अब क्या हुआ, जो नॉर्थ अमेरिकन वाली प्लेट है, जब वो पैसिफिक प्लेट से टकराई, तो यहां पर एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ, तो माउंटेन का निर्माण हुआ। यहाँ पे काफी ट्रेंचेस भी देखने को मिलती है हमको, साथ ही साथ यहाँ पर वॉल्केनोस भी हैं। जब आप, मैं वॉल्केनोस पढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, एकांका हुआ है, ठीक है, ओके, कोटापैक्सी है, ये सब क्या है, वॉल्केनो पर्वत हैं। तो वॉल्केनो पर्वत का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, गर्त का निर्माण हो रहा है, यानी ट्रेंचेस का निर्माण हो रहा है, माउंटेन का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर क्रस्ट भी बन रही है। तो इन सब का निर्माण एक ही थ्योरी से हुआ, और जब दो प्लेटें क्या करती है, आपस में टकरा रही है, यानी पैसिफिक प्लेट और जब साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में टकराई, तो इस तरह से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ, वॉल्केनिक पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है, ट्रेंचेस का निर्माण हुआ। आप लोगों को ये चीज समझ में आई, सबको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है अगर ये सबको समझ में आई। तो यानी हमने क्या देखा, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन पढ़ा। अब यहां पर ध्यान दो थ्योरी पे, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन यानी विनाश सीमांक कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मार्जिन, ये अभी हमने पढ़ा है। इसको ही समझना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। तो जब दो प्लेट
समान दिशा में गतिशील होती है। समान दिशा मतलब इस तरह से गतिशील होती हैं, जिसके परस्पर टक्कर होती है, कॉलिजन होता है। इस प्रक्रिया में जो अधिक डेंसिटी वाली यानी जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और कम डेंसिटी वाली प्लेट ऊपर चढ़ जाती है। नीचे जाने की प्रक्रिया में कम डेंसिटी वाली प्लेट का वलन यानी जो कम डेंसिटी वाली प्लेट होती है वो मुड़ जाती है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। तो जहां पर ये फोल्डिंग हुई है तो फोल्डिंग किसकी हो रही है, फोल्डिंगों के द्वारा क्या हो रहा है, माउंटेन्स बन रहे हैं, माउंटेन का निर्माण होता है। तथा भारी डेंसिटी वाली प्लेट मैग्मा चैम्बर में जाकर वहां के ताप को और बढ़ा देती है, फलस्वरूप मैग्मा प्लेट को तोड़कर यानी वोल्केनो बन गए। जहां पर वो प्लेट को तोड़ के आगे बाहर आएगा वहां पर वोल्केनो बनेंगे, वोल्केनो का निर्माण होता है। जैसे यंग फोल्ड माउंटेन जितने भी हैं वर्ल्ड में, वोल्केनिक माउंटेन जितने भी बने हैं वो इसी कंसेप्ट बने हैं। कुछ आइलैंड्स बने हैं ओशियन के बीच में, और जो ट्रेंचेस बनी है यानी जो गर्त बनी है मरियाना ट्रेंच, इससे ही इन सबका निर्माण होता है। ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में क्या होता है, रचनात्मक, इसको हम डाइवर्जेंट भी कहते हैं। इसका एक नाम और है डाइवर्जेंट, यानी जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेट्स के किनारे वाले भाग में दरार उत्पन्न हो जाती है तथा मैग्मा उस दरार से ऊपर आ जाता है, आगे चलकर ठोस हो जाता है और नवीन भूपटल का निर्माण होता है। यानी इसमें केवल क्रस्ट बनती है। कैसे बनती है ये देखो, मैं सेकंड टॉपिक बता रहा हूं आपको, यानी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव केस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको इंग्लिश में डाइवर्जेंट भी कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, और हिंदी में इसको कहते हैं रचनात्मक। क्या, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक, रचनात्मक प्लेट सीमांक, ठीक है, या बाउंड्री। अब इसमें क्या होता है, ये दो जो प्लेट आपस में टकरा रही थी, इसमें क्या होता है, प्लेट इस तरह से एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है। तो जब वो दूर जाती हैं, पहले चुपकी हुई थी ये दोनों प्लेट, पहले क्या थी, एक दूसरे से चुपकी हुई थी, यानी इनके बीच में कोई गैप नहीं था। जो पहली कंडीशन थी वो ये थी, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही, एक दूसरे से चुपकी हुई थी। जब ये प्लेट मूव करती है एक दूसरे से दूर, ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या आता है, गैप आ जाता है, ठीक है, यानी दरार पड़ जाती है बहुत छोटी सी, ठीक है। जब ये दरार पड़ती है, ये प्लेट वन है, ये प्लेट टू है, तो ये पहली कंडीशन था, पहला केस, जब दोनों प्लेट एक दूसरे छुपी हैं, जब ये थोड़ा थोड़ा दूर आई तो एक दरार पड़ गई, ठीक है। ये जो दरार है इसमें नीचे क्या होता है, प्लेट के नीचे आपको पता है मैग्मा है, तो इससे मैग्मा निकल के आता है बाहर। तो ये जो मैग्मा निकल के आता है, तो ये क्या होता है, जो लावा निकल के आता है वो पूरे सरफेस पे फैल जाता है और यहाँ काय का निर्माण करता है, भूपर्पटी का यानी क्रस्ट का। तो इसमें किस चीज का निर्माण होता है, क्रस्ट का निर्माण होता है हमारी, ठीक है। तो ये समझ में आया, क्रस्ट का निर्माण कैसे होता है, क्रस्ट का निर्माण, भूपर्पटी का निर्माण इस तरह से होता है, जब दो प्लेट इधर इधर से जाती है इस डायरेक्शन में, तो ऊपर का लावा निकल के आता है और यहां पर कई बार वोल्केनोस भी बन जाते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आया, ओके, यस सर, आ गया। ये तो बहुत सिंपल है, जब वो समझ लिया तो ये तो समझ ही लोगे, ठीक है। अब लास्ट जो तीसरी प्लेट है, तीसरी प्लेट कैसी है, कंजर्वेटिव मार्जिन यानी संरक्षित सीमांक। इसमें क्या होता है, संरक्षित सीमांक में जो मूवमेंट होता है प्लेट का, वो या तो इस तरह से होगा, इस तरह से एक दूसरे से घूमेंगी, या एक प्लेट ऊपर जाएगी एक प्लेट नीचे जाएगी, या फिर क्या होगा, दोनों प्लेट ऊपर जाएंगी या दोनों प्लेट नीचे जाएंगी। यानी तीन कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन में। तो इसको पढ़ लो एक बार, जब दो प्लेट आपस में समांतर डेंसिटी संचरण करती हैं, इसमें कोई अंतर क्रिया यानी नई चीज का निर्माण नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव, ठीक है, मार्जिन, जिससे कभी कभी क्या होता है, भ्रंश फॉल्ट का निर्माण हो जाता है, एग्जाम्पल सैन एंड्रियास फॉल्ट। यानी तीसरा केस क्या बता रहे हैं हम प्लेट का, तीसरी जो केस है वो होती है कंजर्वेटिव मार्जिन, कंजर्व
वेटिव मार्जिन या प्लेट मार्जिन या इसको संरक्षित कहते हैं, संरक्षित सीमांक। ओके, इस केस में क्या होता है, इस प्लेट में, इस केस में जो प्लेट्स होती हैं, या तो वो इस तरह से मूव करेंगी दोनों प्लेट, ठीक है, ऊपर जाएंगी, या दोनों प्लेट इस तरह से नीचे मूव करेंगी, या तीसरा केस एक प्लेट ऊपर जाएगी और एक प्लेट क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। ये तीन केस उसमें होते हैं, ठीक है। इन दोनों केसेस में ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है, जब ये एक प्लेट ऊपर उठ जाती है और दूसरी प्लेट नीचे हो जाती है, तो यहां पर क्या होता है, फॉल्ट का निर्माण होता है। फॉल्ट मतलब क्या होता है, भ्रंश, भ्रंश का निर्माण होता है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, केवल फॉल्ट बनती है, ज्यादा कुछ नहीं बनता जब इस कंडीशन में आ जाते हैं, और भ्रंश का निर्माण होता है, जैसे जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है अमेरिका में, वो ठीक है, तो इस तरह से उसका निर्माण होता है। तो आपने ये तीन चीजें देखी और सीखी। अब जब भी प्लेट में कोई भी मूवमेंट होगा, जब भी प्लेट चाहे कंजर्वेटिव मार्जिन के अकॉर्डिंग मूव करे या फिर डिस्ट्रक्टिव मार्जिन की तरफ मूव करे, या आपस में टकराए, चाहे उससे दूर जाए, चाहे ऐसे हो, इन तीनों ही केसेस में क्या होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक यानी भूकंप, तो इस तरह यानी भूकंप आते हैं। तो आप समझ में आया, भूकंप कैसे आते हैं, जब ये प्लेट आपस में टकराएंगी तो हिलेगी धरती, तो भूकंप आएंगे, तो एक तो उस तरह भूकंप आते हैं, दूसरी चीज जब प्लेट दूर जाएंगी एक दूसरे तो खिंचेंगी तो भी भूकंप आएगा, और तीसरी चीज जब प्लेट ऊपर नीचे होंगी, जब धरती हिलेगी तो भी भूकंप आएगा। भूकंप क्या होता है, धरती का हिलना, उसे भूकंप कहते हैं। तो समझ में आया, भूकंप भी आपने सीख लिया, भूकंप क्यों आते हैं, ठीक है, आपने सीख लिया माउंटेन कैसे बनते हैं, आपने सीख लिया वॉल्केनो कैसे बनते हैं, ट्रेंचेस गर्त कैसे बनते हैं, भ्रंश फॉल्ट कैसे बनते हैं, और क्रस्ट कैसी बनती है, और आइलैंड्स भी कैसे होते हैं, जब दो ओशनिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो आइलैंड्स बनते हैं, वो ज्यादा ऊपर नहीं निकल पाते और आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन सबका निर्माण होता है। अब ये कंसेप्ट किसको समझ में नहीं आया है, बताओ जल्दी, किसको समझ में ये कंसेप्ट नहीं आया, बहुत अच्छा सीखा है आज माधव, चलो अच्छी बात है। मुझे साक्षी, तुमको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे बताओगे तभी तो, अपना क्वेश्चन कमेंट करके बताओ किसको ये समझ में नहीं आया। पीडीएफ आपको मिली जाएगी द भारत ऐप पर, ठीक है, जो लोग ऐप पे जुड़े हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, रिंग ऑफ फायर में आते हैं आकाश, रिंग ऑफ फायर में आते हैं, रिंग ऑफ फायर भी वही चीज है, पर रिंग ऑफ फायर जो है वो हम वॉल्केनो अर्थक्वेक के कंसेप्ट में समझाते हैं और बताते हैं। जब मेरी वॉल्केनो की क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें बताऊंगा मैं क्या होता है, अर्थक्वेक की क्लास होगी तब उसमें बताऊंगा आगे क्या होता है। तो आज इंग्लिश की क्लास है आपकी, एक कंसेप्ट और बताना था मुझे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक, कोई के कमेंट नहीं आ रहे, फिर से हैंग हो गया क्या, सर कितनी देर से शुरू करेंगे आप, 10 मिनट। अब कल बता देना क्या छूट गया, मेरे को एक कंसेप्ट बताना था आपको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सॉरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और ये भी हाल सीख जाओगे क्योंकि अब तुमने वो सीख, मैंने इसको बात के लिए इसलिए रखा था क्योंकि फिर इजी हो जाता है समझने के लिए। चलो ये मैं कल ही बताऊंगा अब, ठीक है ना।
तो आज की क्लास में सभी को समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। सभी को समझ में आई कि नहीं आज की क्लास? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। सभी को समझ में आई? इसके पीडीएफ आज ही डल जाएगी। चलो बहुत अच्छी क्लास थी, अच्छी बात है, समझ में आई। यस सर, ओके। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, भारत ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे। आज मैंने पब्लिक करी थी क्लास यूट्यूब पर भी, तो जिन लोगों को प्लेट टेक्टोनिक समझना है वो इस क्लास को देख लेना, ठीक है? तो उनको भी फायदा हो जाएगा। जो लोग हमारे ऐप पे जुड़े नहीं है, जिनको ऐप पे जुड़ना है वो ऐप से जुड़ जाए। भारत दी भारत आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, वो सॉरी द भारत आप सर्च करेंगे हमारे अपने गूगल स्टोर पे, तो वहां आपको मिल जाएगा। ये प्ले स्टोर पे जाके आप इससे वहां डाउनलोड कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ठीक है? और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी ये कोरोना बंद नहीं होने वाला और ऑफलाइन क्लासेस अभी खुलने नहीं वाली है, ठीक है? ओके, तब तक आप जुड़े रहिए, क्योंकि एग्जाम सब आएंगे, एकदम से एग्जाम होंगे लगातार तेजी से, ओके? तो समय नहीं मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने के लिए आपको, दैट इज ट्रू, 100% ट्रू, ओके? तो फिर हम अब कल मिलते हैं, ठीक है? तब तक टेक केयर, सी यू सून, गुड नाइट, बाय।